हमारे घर में कुछ अंधविश्वास है पुराने परंपराओं के चलते। फिर हमें इंडिया ने की संस्था ने हमें सब कुछ बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता। फिर हमने हमारे घर जाकर सबको ये आस पड़ोस हमारे घर पे बताया हमारे संविधान पर, अंधविश्वास कम हो गया है और बहुत सारे बदलाव आने भी। हमेशा हम हमारी क्लासों में हमारे घर पे और सब दूर उसके बारे में बताते हैं और यूँ बोलते हैं, वो बोलते हैं हमें उनकी परेशानियाँ बताते हैं तो हम उनको बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उनके मतलब हमारे घर पे और इन पे जाकर बताते हैं, लड़कियों की मदद करते हैं। ஆண்டி அண்ட் இந்தியாவிலேருந்து எங்களுக்கு வந்து சுழற்சி பற்றி சொல்லி கொடுத்தாங்க, மாதவிடாய் சுழற்சி பற்றி. அது நல்லா எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இதை பற்றி என் பெற்றோர்கிட்ட பேசவும் என் நண்பர்கிட்ட பேசவும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாமல் நோட் கொடுத்தாங்க, அப்புறம் காலண்டர் கொடுத்தாங்க. அதில் வந்து எங்களுக்கு என்ன டேட்டில் வருமோ அதை வந்து குறித்து வந்து அதன்படி நடக்க உதவி செஞ்சு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. மகாவாரிக்கா சமயம் ஆத்தா ஹே தோ பச்சியா ஸ்கூல் சே அப்சென்ட் ஹோ ஜாத்தி ஹே और उनको कुछ धब्बे या इस टाइप की स्थिति बनने की स्थिति, बच्चे जो लड़के रहते हैं वो मजाक बनाते हैं या हंसते हैं उनके ऊपर, तो इसलिए बच्ची स्कूल नहीं आती है। माताओं में एक भ्रांति थी कि महावारी होना यानी बच्चों को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाना, परंतु मैंने स्कूल में बच्चों को समझाया कि महावारी क्यों आवश्यक है। நான் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் என்னுடைய ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நிறைய பசங்களுக்கும் சொல்லியிருக்கேன். இதனால் பசங்க நிறைய சேஞ்ச் ஆகிட்டு அவங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து க்யூர் ஆகிருக்கு. அவங்க க்யூர் ஆனதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. पहले हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसे रिवाज रखे हुए थे कि जो दीदी महावारी में हो उनको कुछ कुछ बहुत चीज़ों को छूना नहीं होता है, जैसे अचार वगैरह फल फ्रूट को नहीं छूना होता है। तो हम ये बहुत सारी ऐसी जो अंधविश्वास है उसको हमने छोड़ दिया।